कि कहां रियल रोज मिलेगा। अब समझ गए, मैं बात करने वाला हूं आज व्हाइट रोज के। ये फ्रेग्रेंस ना जब मैं स्मेल करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यही है रियल रोज। अरे सर क्या बात है। और जहां तक मैं बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ लोग जो है फ्रेग्रेंस मतलब ऐसा रोज फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा ढूंढते हैं। चाहूं तो पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और यूपी के साइड भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे लोग ना रोज को काफी ज्यादा पसंद करते हैं कि भाई अच्छा रोज है कि नहीं आपके पास। मैंने कस्टमर्स को बोला भाई अच्छा है नहीं है ये तो चीजें मैं नहीं बता सकता, आप कुछ ट्राई कर लीजिए। तो बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो कुछ उन्होंने एक आध बोतल खरीदे, बाद में बोले कि बहुत अच्छा है आपका मतलब एज अ रोज। सो फिर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रेग्रेंस एक ऐसा खुशबू के बारे में जिसके बारे में लोग ढूंढते ही रहते हैं कि भाई किसके पास चीज़ें अच्छी मिलेगी, कहाँ अच्छी मिलेगी, कहाँ रियल रोज मिलेगा। अब समझ गए, मैं बात करने वाला हूँ आज वाइट रोज के बारे में। और एज आपको ये फ्रेग्रेंस देखने को मिलेंगी, इसी का जो है बेसिक डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमारा जो वाइट रोज है वो आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगी, इसके फ्रेग्रेंस कैसे रहेंगे, क्या रियल रोज का खुशबू इसमें से आपको देखने को मिलेगा या नहीं। और यूनिक रोज आपको अगर चाहिए तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, पूरा जरूर देखिए, शायद आपको इस वीडियो से एक अच्छा रोज मिल जाए। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। और फ्लावर नोट की जब बात आती है तो मैं एज अ कहना चाहूंगा रोज जो कि हमारा फ्लावर किंग है। सेकंड में हमारा था अभिलाषा जो कि अभी भी काफ़ी सारे कस्टमर्स की पसंदीदा जो है बनी हुई है। और ये है भाई वाइट रोज़ जिसका एक छोटा सा रिव्यू करके मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से आपको ये बॉटल्स तो दिख रही होंगी, 500 ग्राम का ये बॉटल आता है और कुछ वाइट रोज़ की ग्राफिक्स आपको एज अ ग्रीनी देखने को मिलेगी वाइट रोज़। और बेसिक डिटेल भी यहां आपको मेंशन की गई है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं और यहां से हम जो है इसे कर लेते हैं ट्रांसफर, जितना भी फ्रेग्रेंस इसमें से निकल आ जाए तो इतना काफी रहेगा, और भी इसमें बाकी है। ये फ्रेग्रेंस ना जब मैं स्मेल करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यही है रियल रोज। और वाइट रोज़ हमने नाम दिया है, बट ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा आपको लाइट नज़र आएगी, एक रियल फ्रेग्रेंस फ्लावर का वो आपको देखने को मिलेगा। और जल्दी से हम कर लेते हैं कुछ स्टिक्स डीप। तो थोड़ा बारिश क्या हुआ, चीज़ों पे फंगस आना चालू हो जाता है। और ये भाई अगरबत्ती के लिए कोरोना वायरस है ये टाइम, बारिश का टाइम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और फंगस से किस तरीके से बचा जा सकता है इसके बारे में भी कभी वीडियो में आपसे चीज़ों के बारे में डिस्कस ज़रूर करूंगा। फिलहाल वैसे देखा जाए तो कुछ ज़्यादा फंगस नहीं आया था, हल्का सा इसमें जो है लगा हुआ था, बाकी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल हमें चेकआउट जो है करना है। तो ये कुछ हमने इस तरीके से डीप कर लिया। अब इसके फ्रेग्रेंस के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअल में ये रोज़ कैसे आपको इसके फ्रेग्रेंस देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ लोग जो है फ्रेग्रेंस मतलब ऐसा रोज़ फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे जैसे मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ तो पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और यूपी के साइड भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे लोग ना रोज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और ढूंढते रहते हैं कि भाई रोज़ कैसे मिलेगा। मुझे काफ़ी सारे जो है ये फ़ोन्स आते रहते हैं कि भाई अच्छा रोज़ है कि नहीं आपके पास। मैंने कस्टमर्स को बोला भाई अच्छा है नहीं है ये तो चीज़ें मैं नहीं बता सकता, आप कुछ ट्राई कर लीजिए। तो कुछ उन्होंने एक आध बोतल खरीदे, बाद में बोले कि बहुत अच्छा है आपका मतलब एज अ रोज़ में आपके काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस जो है देखने को मिल रहा है। बाकी अभी काफ़ी सारे सैंपल्स भी हमने काफ़ी सारे पंजाब के साइड के कस्टमर्स को भेजे हैं, उनका भी यही कहना कि भाई आपका रोज़ काफ़ी अच्छा है। तो ये कुछ खास लोगों की पसंदीदा रोज़ हो जाती है वाइट रोज़। फ्रेग्रेंस की हम बात कर रहे थे तो इसके फ्रेग्रेंस आपको
स्वीट रहेंगे, एक टाइप का स्वीट फ्रेगनेंस एज अ रोज, स्वीट रोज आपको देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी मीठी खुशबू आपको रोज की देखने को मिलेगी। व्हाइट रोज का पूरा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो एक हो जाता है हमारा व्हाइट रोज। सेकंड रोज आपको आपके किसी भी घरों में, आपको बगानों में या फिर एज अ जो है बालकनी में देखने को मिल जाएगी, जो कि ये हमारा होता है रेगुलर रोज, जो कि थोड़ा सा व्हाइटनेस फॉर्म में भी होता है। और देखा जाए तो थोड़े से अब रोज़ का क्या है, रोज़ एक टाइप का ऐसी जेन्युइन चीज़ें हो गई हैं कि कलर्स में भी रोज, फ्रेग्रेंस भी रोज। अरे कहना क्या चाहते हो? और वैसे इसके नोट्स के बारे में बात करूं तो थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा रिच फ्रेग्रेंस आएगा। और फ्रेग्रेंस एज देखा जाए तो रियल रोज का इसमें टोन तो आपको देखने को मिलेंगे ही, साथ में थोड़ा सा स्वीट नोट रहेंगे। फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा और बूस्टिंग वाला रहेगा, मतलब एज जब स्टिक्स आप डीप करके जलाएंगे तो एज फीलिंग रोज़ की ही आने वाली है। कभी कभी क्या होता है कि रोज़ में काफ़ी सारे नोट्स लोग इधर उधर करके बना देते हैं कि भाई ये अच्छा रोज़ है, बट वो हमें रोज़ तो लगता है नाम से बट क्वालिटी से नहीं लगता, तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसके रिपीटेड ऑर्डर भी चल रहे हैं, मतलब जो कस्टमर्स ने इस रोज़ को ख़रीदा है उन्होंने जो है सेकंड टाइम का ऑर्डर ज़रूर किया है, तो ये एक रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप किसी भी तरीके से अच्छे रोज़, वाइट रोज़ या फिर किसी भी तरीके के रोज़ फ्रेग्रेंस की तलाश में हैं तो आप इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। और इसके हाई डाइल्यूशन की मैं बात करूं तो एवरेज 4:5 का ये रेशियो आपको, आप किसी भी तरीके के आपके ब्लैक, वाइट और कलर स्टिक्स एज अ धूप कोन या फिर जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें वर्किंग 100% करेगा। हाइएस्ट डाइल्यूशन 4 और 5 में है, आप किसी भी तरीके से अपने तरीके से भी आप डाइल्यूशन ले सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और ये आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और अगरबत्ती फ्रेग्रेंस से रिलेटेड किसी भी तरीके के इंक्वायरीज के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप ले कर सकते हैं और बेसिक डिटेल्स भी आप जान सकते हैं, चाहे प्राइसिंग हो, चाहे डाइल्यूशन हो, चाहे रेशियो, जो भी हो। तो मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।